नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, पाक के मुल्ला मदरसे में रहे या हीरा मंडी में, तैमन दोनों ही जगह उतरने हैं। भारत के लिए कलमा पढ़ते पढ़ते ये अपनी कलम चीन को थमा चुके हैं। उम्मीद यही थी कि चीन इस कलम से उनकी तकदीर लिख देगा। परिस्थिति यह है कि यहां तो तशरीफ बचाने के ही लाले पड़े हुए हैं। चीन के 60 अरब डॉलर के कर्ज ने जहां इनकी सांसें उखाड़ी हुई है, वहीं पाक के तब्दील पीएम इमरान लोंडे ने एक बड़ा फैसला लेकर पूरे पाकिस्तान को बड़े संकट में धकेल दिया है। इमरान ने बाकायदा चीन को पाकिस्तान में निवेश का नोटा भेज दिया है। चीन की कंपनियों को पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह बड़ी बात नहीं होती अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर हंगामा खड़ा नहीं किया होता। पाक विदेश मंत्रालय ने इसे गलत फैसला करार दिया है, जिसके बाद से पाक के मुल्ला मदरसे और हीरा मंडी से इस्लामाबाद पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मदरसा मुल्क पहले ही चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। इमरान के इस कदम से पाकिस्तान की रही सही अस्मिता भी चीन के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि चीन बड़ी चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान को अपने मकर जाल में जकड़ रहा है। कुछ पाक मुल्लाओं की तरह बहुत से लोगों को यह सामान्य सी बात लग सकती है। इस पूरे मामले को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जोड़कर भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे चीन का गहरा षड्यंत्र छिपा हुआ है, जिसका शिकार पाकिस्तान बनने जा रहा है। ऐसा केवल हम नहीं कहते, बल्कि पाक के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह संदेह जाहिर किया है। दरअसल भारत सरकार की तरफ से 59 ऐप को बंद करने और कारोबार से चीनी कंपनियों को हटाने से तिल मिलाए बीजिंग को सारा देने के लिए इमरान ने चीन से पाकिस्तान में अपने कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था। इमरान के इस प्रस्ताव को चीन ने हाथों हाथ लपक लिया। चीन के लिए पाकिस्तान कोई बाजार नहीं होकर बाजारू औरत की तरह है, जो खुद ही बिकने के लिए उसके दरवाजे पर खड़ा है। चीन द्वारा पाकिस्तान में जिन कंपनियों के ऑफिस खोलने की बात हुई, उसमें पावर कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन, चाइना गोजोबा, चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड समेत 7 के लगभग कंपनियां हैं। खास बात यह है कि ये सभी कंपनियां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का माथा ठनक रहा है। विदेश मंत्रालय ने इमरान को आगाह करते हुए कहा है कि देश जिस तरह चीन की तरफ झुकता चला जा रहा है, उससे पाकिस्तान की विदेश नीति मुश्किल में पड़ गई है। यह एक तरह से भारत की कूटनीति को मजबूत कर रही है, क्योंकि चीन पर अधिक से ज्यादा निर्भरता से पाकिस्तान के दुनिया में अलग थलग पड़ने का जोखिम बढ़ गया है। चीन के खिलाफ पहले ही पीओके से इस्लामाबाद तक गुस्सा है। बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरह से चीन सीपैक के लिए पाक के संसाधनों को लूट रहा है, उसे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे देश में एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि चीनी कंपनियों के कार्यालय खोलने का कोई सीधा लाभ पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। इस फैसले से पाकिस्तान में रोजगार या अर्थव्यवस्था को फायदा हो पाएगा, यह भी बेवकूफाना सोच है। चीनी कंपनियां अपने मजदूर चीन से ही लाती है, जो कम पैसे में उसके लिए काम करते हैं। जितने पैसे वे दिहाड़ी के तौर पर देती है, कोई भी पाकिस्तानी उस पैसे में काम नहीं कर सकता है। पर असली मुश्किल तो पाकिस्तान के दुनिया में अलग थलग पड़ने को लेकर है। भारत के लिए यह एक बहुत बढ़िया मौका है, जिसमें भारत यह साबित कर सकता है कि पाकिस्तान आतंक का निर्यातक है तो चीन उसका प्रायोजक है। इन दोनों देशों की संलिप्तता की वजह से दुनिया मुसीबत में पड़ती जा रही है। यानी मालिक गुलाम का यह गठजोड़ इतना सामान्य नहीं है जितना कि दिखाई देता है। वैसे भी पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता उसे यूरोपियन देशों से पहले ही दूर कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका से उसके संबंध इतिहास के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जर्मनी से पाकिस्तान के काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं, मगर 2 दिन पहले जर्मनी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। उसने पाकिस्तानी पनडुब्बी को एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं देकर पाकिस्तान को बैरंग कर दिया है। खाड़ी देशों में अधिकांश उससे पहले ही किनारा कर चुके हैं। ऐसे में चीन के साथ लगातार बढ़ते उसके बेलजोल से दुनिया और अधिक दूर होती जा रही है। पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में कोई नया निवेश नहीं हुआ है, ले देकर एकमात्र चीनी इस देश में अपना दम ठोक रहा है। जीडीपी घाटा जो 60% से ऊपर बेहद गंभीर माना जाता है, वह बढ़कर 90% पर पहुंच गया है। इस सारी मुसीबत का दोषी चीन को ही ठहराया जा रहा है, क्योंकि चीन से अनाप शनाप शर्तों पर लिया गया कर्ज उसके जी का जंजाल बन गया है। बड़ा सवाल वह है जो पाक के बुद्धिजीवियों की टेंशन बढ़ा रहा है, वह यही है कि चीन की पीएलए समर्थित कंपनियां पाकिस्तान में घुसपैठ करने जा रही है। इन कंपनियों में एक नाम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का है। यह बैंक पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि यह बैंक पाकिस्तान के उद्योगों को कर्ज बांटकर उन पर अपना सीधा कब्जा कर सकता है। चीन के इस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।
पावर कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना पहले से पाकिस्तान में बिजली उत्पादन में काम कर रही है। पिछले दिनों हुए अरबों रुपए के घोटाले में इस कंपनी से जुड़ी कई चीनी कंपनियों का नाम सामने आया था, मगर चीन के दबाव में इस मामले पर सरकार ने पर्दा डाल दिया। इस वक्त पाकिस्तान के उद्योगों में उत्पादन लगभग ठप होने के कगार पर है। पाकिस्तान की बड़ी स्टील मिल भी भारी घाटे में फंसी पड़ी है। पाकिस्तान सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना अपने कर्ज के जाल में पाकिस्तानी इंडस्ट्री को फंसा सकता है। बड़ी बात यह है कि यह बैंक बड़ी आसानी से इन उद्योगों को मोटा लोन देने में सक्षम है। पाक बुद्धिजीवियों को आशंका है कि अभी तक पाकिस्तान सरकार ही चीनी कर्जों में घिरी हुई है। अगर चीन ने प्राइवेट सेक्टर में अपनी घुसपैठ कर दी तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ सकता है। मगर बावजूद इसके इमरान खान चीनी मोहपास में जकड़े जा चुके हैं। पिछले 2 साल से वे तमाम जतन के बावजूद पाकिस्तान में तब्दीली के तहमत नहीं सुखा पाए हैं। वे हर बीते दिन के साथ गीले होते जा रहे हैं। इमरान उम्मीद लगा बैठे हैं कि जिनपिंग के पैरों में पड़कर वे तब्दीली के ख्वाब पूरे कर सकते हैं। यूं भी इमरान के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। भारत की कूटनीति में पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है। चीन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई मुल्क नहीं बचा है जो पाकिस्तान में निवेश में दिलचस्पी ले रहा हो। इसलिए इमरान का पूरी तरह चीन पर आश्रित होना जरूरी नहीं, मजबूरी है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में चीन का प्रत्यक्ष निवेश 39% से ऊपर हो चुका है। आने वाले वक्त में यह 50 से ऊपर पहुंचा तो पाकिस्तान के हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। चीन के लिए कोई भी देश उसका दोस्त नहीं हो सकता है। ऐसी ही दोस्तियां श्रीलंका, जिबूती, मंगोलिया, मालदीव, म्यांमार और साउथ अफ्रीका के गरीब देशों ने भी की थी। आज इन देशों के किसी न किसी हिस्से पर चीन का अधिकार है। पाकिस्तान की चीन से दोस्ती इसलिए भी समझ से परे है क्योंकि दोनों ही देशों में कोई भी सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध नहीं रहे हैं। दोनों की विचारधारा और परिवेश भी अलग है। एक तैमन छाप है तो दूसरा तैमन उतारने में माहिर है। चीन के लिए पाकिस्तान का महत्व सामरिक दृष्टि से ज्यादा नहीं है। उसके अतिरिक्त इस देश के पास चीन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत था उसे चीन पहले ही खसोटना शुरू कर चुका है। यह बेमेल खिचड़ी भारत के लिए उसका जायका बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के सिर पर चढ़कर चीन को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब कर सकता है, जो कि भारत इस वक्त कर भी रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत राजनीतिक स्तर पर लगातार मेहनत कर रहा था, मगर पाकिस्तान चीन के ऊपर आश्रित होकर इसे और आसान बना रहा है। दुनिया में फैले चीनी वायरस की वजह से सभी देश चीन से खार खाए बैठे हैं। इसलिए इस वक्त जो भी देश चीन का समर्थन कर रहा है, ये मुल्क उससे किनारा कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उसी गुस्से का शिकार हो चुका है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती नहीं देखकर इमरान ने चीन को खुलेआम मदरसा मुल्क में आमंत्रित कर लिया है। पर लोंडा यह भूल गया है कि भविष्य में मदरसा पैदाइश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो चाइनीज झंडा आज चीनी कंपनियों के ऑफिस पर लहरा रहा है, कल वह पूरे पाकिस्तान में फहराया हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।